नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग। दो जो आरआरसी हैं उन्होंने जीडीसी के नोटिफिकेशन में बदलाव के आदेश दे दिए हैं। एक ने पहले आदेश दे दिए थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फीमेल ट्रैक मेंटेनर के लिए यहाँ पर डेटा मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर डेटा धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर एक डिवीजन का डेटा यहाँ पर आया है जहाँ पर कोई भी फीमेल ट्रैक मेंटेनर या फीमेल एएलपी जो है उन्होंने अपनी पोस्ट चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लगाई है। और इसी प्रकार से कई अपडेट आए हुए हैं। चलिए एक एक करके सारे अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे अपडेट आप जो है हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, staffresult.com। वहाँ पर आप आएंगे तो आपको सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो इधर आपको ये थ्री लाइन जो दिख रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट रेलवे एग्जाम अपडेट का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी रेलवे के लेटेस्ट अपडेट हैं आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए एक करके सारे अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरआरसी जो बेंगलोर है यानी कि आरआरसी हुबली, उसने जीडीसी के नोटिफिकेशन में यहाँ पर बदलाव किया गया है और आरआरसी जयपुर ने भी जीडीसी के नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है। दोनों अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको नोटिस है, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा और आपका नोटिस है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR हुबली जो है उन्होंने यहाँ पर नोटिस डाला है। देखिए रेलवे बोर्ड ने आपको पता होगा कि अभी यहाँ पर आदेश दिए हैं कि जीडीसी के अंदर मिनिमम सर्विस नहीं रखी जाए, इसलिए सभी जो आरआरसी हैं वो यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में परिवर्तन यहाँ पर कर रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर आरआरसी SWR ने बोला है कि अब यहाँ पर जीडीसी के अंदर कोई मिनिमम आपके सर्विस नहीं होनी चाहिए। जो दो ईयर का जो प्रोविजन था वो यहाँ पर हटा रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर देखिए नए फॉर्म है यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंगली द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टू ईयर मिनिमम सर्विस कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड एंड इट इज डिसाइडेड टू री इन्वाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु हैव बीन एक्सक्लूडेड ऑन द अकाउंट। और यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भराए जा रहे हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पहले नहीं भर पाए थे। यहाँ पर देखिए अवेलेबल ऑन द रोल ऑन द डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन, और जल्दी देखिए यहाँ पर जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिक्लेयर रिजेक्टेड ड्यू टू टू ईयर मिनिमम सर्विस कंडीशन रिस्ट्रिक्शन में आल्सो सबमिट देयर एप्लीकेशन। और यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट थे जो दो ईयर की सर्विस नहीं हुई थी और इन्होंने अप्लाई भी किया था, अगर उनका रिजेक्ट हुआ तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ड्यू कोर्स, और जल्दी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो जीडीसी वाला है यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म ऑनलाइन कर रखा है और जिनका जो फॉर्म है स्क्रूटनी के टाइम पे एलिजिबल हो गया है तो उन्हें दोबारा भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप भी जीडीसी भर्ती 2023 का यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका भी सपना है रेलवे में उच्च पदों पर प्रमोशन लेने का, तो ऐसे में दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी 16 आरआरसी से निकली हुई है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार नए जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दे दिया गया है, 2 साल का प्रोविजन हटा दिया है। तो ऐसे में कंपटीशन यहाँ पर पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा, इतना आसान संलक्षण नहीं है। तो ऐसे में आपको अच्छे लेवल की तैयारी यहाँ पर करनी होगी, स्पेशली रेलवे में जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी का हुआ, एनटीपीसी हुआ, उनको दोस्तों आपको कम से कम तैयार करने हैं। तो आपको इसकी हेल्प के लिए मिल जाएगी किरण पब्लिकेशन बुक, जिसमें दोस्तों आपको रेलवे के लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन है सारे आपको एकदम सेट वाइज और आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप वाइज आपको मिल जाएंगे। इसमें दोस्तों 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ये मैथमेटिक्स की बुक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको 8,700 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रेलवे में रिसेंटली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी आती है वैसा ही। और सिलेबस दोस्तों आपको बताऊँगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का सिलेबस ही है, तो ये जो बुक है पूरी तरह आपके जो सिलेबस है जीडीसी का उसके ओरिएंटेड है। इसके अलावा दोस्तों आप रेलवे में ये जो बुक है आप जीके के लिए फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए खान सर की जो बुक आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों ये अवेलेबल है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया, डायरेक्ट दोस्तों ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं। आरआरसी जयपुर का हम देख लेते हैं, तो आरआरसी जयपुर का हम नोटिस देखते हैं। तो आरआरसी जयपुर ने दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकार से नोटिस डाल रखा है। यहाँ पर देखिए जीडीसी में 2 साल की सर्विस यहाँ पर हटा दी गई है और यहाँ पर जिसके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो कट ऑफ डेट 2/9/2023 जो है उससे पहले जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई है तो दोस्तों वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। और इसमें दोस्तों बता रखा है कि हम देखिए जो है जल्दी आपका जो फॉर्म है यहाँ पर मांगेंगे। और यहाँ पर देखिए आरआरसी जयपुर की वेबसाइट पर आपको 10/10/2023 से लेके 25/10/2023 तक दोस्तों टाइम अवेलेबल करवाया जा रहा है, आप दोबारा से फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। 15 दिन का टाइम आपको अलग से दिया गया है और इस टाइम में
आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि 2/9/2023 ही रहेगी। 2/9/2023 से पहले अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो पहले यहाँ पर प्रोविजन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 साल की सर्विस नहीं हुई थी और उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो उनकी अधिसूचना में अब उनको प्रोविजनली यहाँ पर पात्र माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले वे विद्यार्थी जिनको पूर्व की शर्तों के अनुसार अपात्र घोषित किया गया है, तो वो 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अपना फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसमें कोई भी करेक्शन होगा तो वो 27 से लेकर 28/10/2023 तक यहाँ पर अपडेट दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट आए हुए हैं GDC के रिगार्डिंग। चलिए और अपडेट है उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नॉर्दर्न रेलवे है उसकी तरफ से अपडेट है कि नॉर्दर्न रेलवे में एक सेकंड DB की लिस्ट आई थी और सेकंड DB की लिस्ट में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एबसेंट हुए थे, तो उन्हें एक मौका दिया गया है। जो भी यहाँ पर एबसेंट कैंडिडेट हैं वो दोस्तों अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा से अपना DB करा सकते हैं। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल यहाँ पर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिकंदराबाद की तरफ से यहाँ पर अपडेट है कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल डाला गया है और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर भी निकाल दिया गया है। तो चलिए दोनों अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं हम सिकंदराबाद के। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए RRC सिकंदराबाद की तरफ से अपडेट है कि इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो थे जिन्होंने मेडिकल एग्जाम दिया था रेलवे का, उनको अनफिट कर दिया गया है, मतलब उनके लिए पोस्ट सुटेबल नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों उनकी लिस्ट दी जा रही है और ये 30 कैंडिडेट हैं, इनको दोस्तों मौका दिया गया है कि ये कैंडिडेट री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हें जो अभी जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है B2 एंड बिलो मिला है और B2 एंड बिलो की यहाँ पर CT वैकेंट नहीं है, इसलिए इनको कोई पोस्ट अलॉट नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपील कर सकते हैं री मेडिकल के लिए। इनको 1000 रुपये की DT यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर देखिए इनके नाम पे FF&A एंड CO SCR आपके जो सिकंदराबाद RRC उसको, और यहाँ पर एक प्राइवेट डॉक्टर है उससे यहाँ पर एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और दोस्तों उसको 8/11/2023 तक आपको ये एड्रेस है यहाँ पर आपको पहुँचवाना पड़ेगा और फिर आपका मेडिकल अपील अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है रीमेडिकल करवाया जाएगा। और आपको जो है अगर दोबारा रीमेडिकल में अगर आपको उच्च मेडिकल स्टैंडर्ड मिल जाता है तो आपको पोस्ट अलॉट यहाँ पर हो सकती है। ये 30 कैंडिडेट की लिस्ट है जिन्हें दोस्तों यहाँ पर मेडिकल में अनफिट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे का, जहाँ पर दोस्तों रेलवे बोर्ड ने अभी सभी जो RRC हैं उनसे यहाँ पर डेटा मांगा था कि आपके जोन में कितने ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जो ट्रैक मेंटेनर हैं और जो ALP हैं वो अपनी जॉब से परेशान है और दूसरे जो डिपार्टमेंट है दूसरी पोस्ट है उसमें जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर जो डिवीज़न है उसकी तरफ से अपडेट आ चुका है। अजमेर डिवीज़न ने अपनी जानकारी यहाँ पर शेयर कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया कि उपरोक्त विषय व संदर्भित पत्र के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि इस मंडल पर निम्न श्रेणियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैक मेंटेनर जो है 62 हैं रेलवे के अंदर और ये अजमेर डिवीज़न की बात हो रही है। अजमेर डिवीज़न में आज की डेट में तकरीबन 1000 ट्रैक मेंटेनर हैं लगभग, और उनमें से 262 फीमेल ट्रैक मेंटेनर हैं और ALP जो है मात्र 9 ALP हैं अजमेर डिवीज़न के अंदर। तो यहाँ पर मांगी गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा जानकारी कि कितनी फीमेल ट्रैक मेंटेनर और कितनी फीमेल ALP हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भी बोला गया था कि कितनी फीमेल ट्रैक मेंटेनर या ALP ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्ट चेंज करने के लिए कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला था। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैक मेंटेनर ALP रनिंग स्टाफ या अन्य श्रेणी में काम करने वाली किसी भी महिला कर्मचारी ने उनकी निर्दिष्ट श्रेणी में बदलाव के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, यह सूचना आपके लिए प्रस्तुत है। यानी दोस्तों उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं डाला है, सब जॉब अपनी कर रही हैं, जॉब से परेशान भी हो सकती हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं डाला है कि उनकी पोस्ट यहाँ पर अलॉट पोस्ट है वो यहाँ पर चेंज की जाए। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड जो है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है कि कितनी फीमेल कैंडिडेट हैं जो अपनी जॉब से परेशान है, उनकी क्या दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसे में ये अजमेर डिवीज़न का डेटा था। अभी देखिए सभी डिवीज़न का सभी जोन का यहाँ पर डेटा आना बाकी है और फिर यहाँ पर रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पर करना चाहिए। बाकी देखिए सारे अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।